हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आपका स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे अजय देवगन की नई फिल्म हिंदुस्तानी के रीमेक के बारे में और आप जानेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री के गलियारों में किन किन नई फिल्मों की परिचर्चा जोरों पर है और साथ ही हम ये भी बताएंगे कि किन किन नई फिल्मों की शूटिंग शुरू होने वाली है और इस वीडियो के एंड में हम आपके कुछ सवालों के जवाब देंगे जो आपने हमसे कमेंट सेक्शन में पूछे हैं। अपने सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। तो अब बात करते हैं फिल्म हिंदुस्तानी के रीमेक के बारे में। रोबोट आई और शिवाजी द बॉस जैसी सुपरहिट फिल्म देने वाले डायरेक्टर शंकर कमल हसन स्टारर फिल्म हिंदुस्तानी का रीमेक बनाना चाहते हैं। इस फिल्म के लिए उन्होंने बॉलीवुड के सिंघम को अप्रोच किया है। फिल्म मेकर शंकर ने बीते दिनों अजय देवगन से मुलाकात की। वो उन्हें 1969 में रिलीज हुई कमल हसन की फिल्म हिंदुस्तानी के सीक्वल में कास्ट करना चाहते हैं। इसलिए में शंकर ने चेन्नई में अजय से मुलाकात की। शंकर चाहते हैं कि अजय इस फिल्म में पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले करे। फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं है कि अजय को ये रोल पसंद आया है या नहीं। अगर अजय देवगन इस फिल्म को करते हैं तो ये पहला मौका होगा कि कमल हसन और अजय देवगन एक साथ स्क्रीन पर नजर आएंगे। 1996 में रिलीज हुई कमल हसन स्टारर हिंदुस्तानी में मनीषा कोराला और उर्मिला ने भी अहम भूमिका निभाई थी। फिल्म की कहानी एक एक्स फ्रीडम फाइटर की है जिसने करप्शन के खिलाफ लड़ाई की थी। इस फिल्म को 1996 में ऑस्कर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। इस फिल्म ने 3 नेशनल अवार्ड भी जीते थे और यही फिल्म तमिल में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। तो बॉलीवुड के गलियारों की न्यूज जानने के लिए हम स्वागत करते हैं अर्जुन दीवान का। थैंक यू सो मच रोहित मुझे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि बॉलीवुड के गलियारों में क्या ताजा चल रहा है। तो दिसंबर में शुरू होगी बागी 3 की शूटिंग। जी हाँ दोस्तों, अभी तक बागी 2 का ट्रेलर तक रिलीज नहीं हुआ है और उनके प्रोडक्शन हाउस ने बागी 3 की भी घोषणा कर दी। कमाल है। पद्मावत में अपनी जोरदार परफॉर्मेंस के बाद अब मणिरत्नम की फिल्म में होंगी अदिति रॉय हैदरी। अब पद्मावत के बाद अदिति रॉय हैदरी एक बार फिर से मणिरत्नम की फिल्म में नजर आएंगी जो कि एक सोशल पॉलिटिकल ड्रामा होगी। अब पहली बार पर्दे पर एक साथ नजर आएंगे बॉलीवुड के सीरियल किसर इमरान हाशमी और बॉलीवुड के एवरग्रीन हीरो ऋषि कपूर। और साथ ही ये खबर सुनने को मिल रही है कि साउथ की ओरिजिनल ब्लॉकबस्टर फिल्म दृश्यम के डायरेक्टर जीतू जोसेफ अब इमरान हाशमी के साथ बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं और दिवाली 2020 पर रिलीज होगी रणभूमि। और ये तीसरी बार है जब डायरेक्टर शशांक खेतान, वरुण धवन और करण जौहर एक साथ काम करेंगे। बैटमैन देखकर बेटे आरव ने पीठ थपथपाई और बोले गुड जॉब। सुपर 30 से टकराएगी इमरान हाशमी की चीट इंडिया। इमरान हाशमी जल्द ही अपनी अपकमिंग फिल्म चीट इंडिया की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। ये फिल्म देश के एजुकेशन सिस्टम की कमियों को उजागर करेगी। और देहरादून में हो रही है श्रद्धा कपूर की शादी। श्रद्धा कपूर ने अपनी अपकमिंग फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू की शूटिंग शुरू कर दी है और अभी उस फिल्म की शूटिंग देहरादून में चल रही है। रविवार को यहां श्रद्धा कपूर की मेहंदी और शादी के सीन शूट किए गए। नमस्ते लंदन के बाद अब इंग्लैंड को नमस्ते किया जाएगा क्योंकि 22 फरवरी से शुरू हो रही है नमस्ते इंग्लैंड की शूटिंग। परिणीति चोपड़ा और अर्जुन कपूर स्टारर नमस्ते इंग्लैंड की शूटिंग बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है और फिल्म को मुंबई, पंजाब और यूनाइटेड किंगडम में फिल्माया जाएगा। और टाइगर श्रॉफ के लिए बेहद पॉजिटिव है दिशा पटानी। भले ही उन्होंने अभी तक ओपनली अपने रिलेशनशिप को कबूल ना किया हो, पर ये तो सभी जानते हैं कि टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी रिलेशनशिप में है। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड के गलियारों की ताजा ताजा खबरें और अब आती है बारी हमारे कमेंट सेक्शन की, जहाँ पर हम आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देते हैं। तो कमेंट सेक्शन के हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं रोहित का। तो दोस्तों, अब हम आपको सिंघम 3 वीडियो में पूछे गए सवालों के जवाब देंगे। मोइन काबरा ने लिखा है दैट्स ग्रेट न्यूज। अजीत सिंह ने लिखा है आई लव यू अजय। संदीप यादव ने लिखा है आई लव यू अजय सर, आप सबका अजय देवगन के प्रति ये प्यार देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और आप सब ने मेरी वीडियो को पसंद किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग सिंघम 3 में सनी देओल को देखना चाहते हैं, लेकिन मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि सनी देओल सिंघम 3 में नहीं S3 में काम कर रहे हैं। बाहुबली विशाल चाहते हैं कि सिंघम 3 में सलमान खान को होना चाहिए, लेकिन मेरे दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे भाईजान दबंग बनकर ही रहना चाहते हैं। सलमान खान अभी रेस 3 की शूटिंग कर रहे हैं, फिर भारत, फिर दबंग 3 की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, हमारे इस वीडियो में कुल 130 कमेंट आए हैं। अगर आपका इसी तरह से प्यार मिलता रहा, हम आपके लिए नई नई फिल्मों के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की वीडियो लाते रहेंगे। और दोस्तों, आप किस नई फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आने वाले इंटरेस्टिंग मूवीज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस।